हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल ब्राइडल ओपन दुपट्टा रैपिंग, जो काफ़ी आसान है। तो चलिए करते हैं। सिर्फ एक कोने की ज़रूरत है हमें। उस कोने को हम लोग शोल्डर की साइड में आप पिनअप कर देंगे। पूरे दुपट्टे को हम लोग पीछे छोड़ देंगे और आगे का एक कोना लेकर हम लोग जो है इस तरीके से पिनअप कर देंगे उसको। बहुत इजी है इस दुपट्टे की रैपिंग और आजकल सबसे ज़्यादा है। और ये काफ़ी जो एक्ट्रेस वगैरह होती हैं उन लोगों ने भी अपनी शादी में ये किया हुआ है और सब लोगों को बहुत पसंद आता है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग लेंगे और उसको हम एक कोने को हम लोगों ने पिन से जोड़ दिया और शोल्डर वाला जो सेक्शन है उस पर भी हम लोगों ने एक पिन लगा दी और बाकी पूरा दुपट्टा हम लोगों ने हाथ पे दे दिया। और उसके बाद पीछे का जो दुपट्टा है उसको हम पीछे की साइड में ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो इसको सिंगल दुपट्टे से भी इसकी रैपिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो सर पे लेके जा सकते हैं आप पीछे वाला दुपट्टा, बट क्योंकि हमारी क्लाइंट के पास डबल दुपट्टा है तो हम लोग डबल दुपट्टे से काम करेंगे। तो सिंगल को हम इस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, एक पिन हम लोगों ने शोल्डर पर लगाई, एक पिन हम लोगों ने एक साइड को लगा दी है हिप्स की साइड, और पीछे जितना भी दुपट्टा बचा हुआ है उस दुपट्टे को हम लोग पीछे से देखिए इस तरीके से ले जाकर और उसको जो है टक कर देंगे पीछे से। तो ये काफ़ी सिंपल है, बहुत ही यूनिक तरीके का दुपट्टा रैपिंग है। सब लोगों को बहुत पसंद आती है, हमारी जो क्लाइंट है उनको भी बहुत पसंद आई। और मेरी जो क्लाइंट है उनकी हेयर स्टाइल वीडियो, उनकी मेकअप वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पर मिलेगी, क्योंकि उनका मेकअप और हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा हुआ था और वो पूरी तैयार होने के बाद बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले आप लोगों के साथ में इनके दुपट्टा रैपिंग की वीडियो जो है वो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इनकी मेकअप वीडियो और हेयर स्टाइल वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को, काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो आप लोगों को। और आज जो ये दुपट्टा रैपिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इस तरीके की दुपट्टा रैपिंग आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा इन है इस टाइप की। मेरे पार्लर पर काफ़ी हो रहा है ये दुपट्टा रैपिंग और मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए। तो देखिए, इस तरीके से ना हम लोग बॉर्डर को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए पिन लगाएंगे ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो इस तरीके से जब हम दुपट्टा रैपिंग करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छी लगती है दुपट्टा रैपिंग। तो हम लोग देखिए इस तरीके से बॉर्डर को मिला देंगे और उसके बाद हम नीचे से पिन लगाएंगे। इससे इसे हमें लहंगे के साथ में अटैच नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लहंगे के अंदर को इसको काफ़ी ज़्यादा कर दिया है तो निकलने का डर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग जो है दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए जो है पिन लगा देंगे बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से जब आप पिन लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है और पीछे से जो है वो काफ़ी लुक बहुत अच्छा आता है, डिफरेंट आता है थोड़ा सा लुक। और अगर हमारा दुपट्टा इधर उधर से कभी उठ रहा है या कोई हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक दो पिन और लगा सकते हैं, क्योंकि ये ब्राइडल का मामला है। ब्राइडल जो है वो अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगी जब जाएंगी स्टेज पर, तो उससे पहले पहले हम लोगों को सब कुछ करना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं पीछे से हमने इस तरीके से जो है वो इनका दुपट्टा जो है रैप किया है। अब हम लोग पीछे की साइड में एक शोल्डर पर पिन भी लगाएंगे। एक हमने बीच शोल्डर पर पिन लगाई, एक हमने थोड़ी सी आगे पिन लगाई और एक हमने थोड़ी सी पीछे पिन लगाई। तो देखिए, इनका एक दुपट्टे वाली जो रैपिंग है वो बहुत इजीली हो चुकी है। बहुत पसंद आता है ये दुपट्टा रैपिंग सब लोगों को, आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो अब हम लोग ये दुपट्टा इधर उधर ना हो उसके लिए हम लोग जो है इस तरीके से इसके बॉर्डर को एक साथ जोड़ेंगे और इनके हाथ पर उसको अटैच कर देंगे पिन की हेल्प से। तो इस तरीके से अगर आप दुपट्टा रैपिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है और इनको ना जयमाला वगैरह डालने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि इस जो ये दुपट्टा रैपिंग है इसमें हम लोगों को ये पिन वाला सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने लगा दी कभी हमारी ब्राइड को प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम उनसे पूछे जा रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो वो बोली कि नहीं नहीं आप ना एक पिन लगा दीजिए जिससे कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इस तरीके से इनकी सिंगल दुपट्टा की रैपिंग हो चुकी है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको हाथ जो है वो अपना ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये पीछे का आ गया। अब हम पीछे के दुपट्टे को रैप कर रहे हैं। तो इनका जो लहंगा था उसके साथ में दो दुपट्टे आए थे, जिसमें कि पीछे वाला जो दुपट्टा है वो इनके मेन लहंगे का दुपट्टा है, वो काफ़ी हैवी है, तो हम लोगों ने उसको पीछे लिया और जो इनका ऑरेंज कलर का दुपट्टा इन्होंने अलग से लिया था दूसरा दुपट्टा, उसको जो है हम लोगों ने आगे लिया है, क्योंकि हमारी ब्राइड की भी यही नीड थी। तो इस तरीके से देखिए, हम लोग बीच से मतलब दुपट्टे के दो भाग कर लेंगे, दो भाग से हम लोग बीचों बीच से दुपट्टे को जो है रैप करेंगे इनके पफ के ऊपर, मतलब इनके जूड़े के ऊपर हम लोगों को ये रैप करना है। और इसको रैप करने के लिए थोड़ा सा ना अंदर की साइड में दुपट्टा कर लीजिए और पिन लगा दीजिए और ये बॉर्डर उसके ऊपर आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बाई चांस आप उनकी ससुराल में कोई आगे करने के लिए दुपट्टा बोलेगा तो बहुत ईजिली ये दुपट्टा आगे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है इस तरीके से पिन लगा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये स्टाइल भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग करते हैं जब, तो बहुत ही अच्छे से जो है हमारा काम होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा काम हो जाता है, हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, हम लोगों ने जूड़े पर कम से कम 3-4 पिन लगाई है और इनका फ्लोर वाला जूड़ा था, रियल रोज़ का जो जूड़ा होता है वो जूड़ा है इनका, काफ़ी सुंदर लग रहा था। हेयर स्टाइल आप लोग इनका देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है। मेकअप भी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। और अब इस तरीके से आप देखिए कि हम लोग शोल्डर पे ना इस तरीके से थोड़ा ढीला ढीला सा पिन लगाएंगे, क्योंकि हमें जयमाला इनकी डलेगी तो वो उस हिसाब से ये दुपट्टा जो है वो थोड़ा ढीला छोड़ना है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खिंचेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो नीचे जो शोल्डर है उसके साथ में हम लोग ऊपर के दुपट्टे को जोड़ देंगे और उसके बाद जो है इसको ऐसे ही ढीला ढीला छोड़ देंगे हम लोग, ताकि ये इसको लगाने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ना लगाएं। बट हमारी जो ब्राइड थी उनकी नीट थी कि बिल्कुल दुपट्टे को फिक्स कर दीजिए, बिल्कुल भी उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर पिन लगा दी। अदरवाइज़ आप लोगों को पिन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, पीछे से जो है वो दूसरी साइड भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे और इनका जो नथ वगैरह है वो भी सब हम लोगों ने लगा दी। पूरा इनका मेकअप हो चुका था, लास्ट में हम लोग दुपट्टा रैपिंग कर रहे हैं इनकी, और काफ़ी क्यूट लग रही थी। ये दिन का फंक्शन था इनका, तो इन्होंने जो लहंगे का कलर है वो बहुत ही न्यूड लिया है, तो इनका जो फंक्शन है वो दिन में है, 10-11 बजे करीब ही हमारे पास तैयार होने के लिए आई थी, और 12 बजे करीब इनका जो है वो जयमाला का था, तो उस हिसाब से हमने इनको सुबह में तैयार किया। और इनका मेकअप भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है कि डे के हिसाब से किस तरीके से मेकअप हम लोगों को करना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से ना आप लोग थोड़ी सी प्लेटों को एक साथ पकड़ लीजिए, क्योंकि ये दुपट्टा जो है ये काफ़ी हैवी है, क्योंकि ये मेन लहंगे का दुपट्टा है तो इस पर काम काफ़ी है और ये हैवी है, तो इनका जो जूड़ा है वो बहुत वजन लग रहा था इनको उस दुपट्टे को करने के बाद, तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये निकल के गिर जाएगा, निकल के गिर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इनकी संतुष्टि के लिए इस तरीके से देखिए एक साथ पिन लगा दी हैं यहाँ पर, और इससे क्या होगा, इससे इनका जो दुपट्टे का वजन है वो जूड़े पर कम पड़ेगा और थोड़ा सा वजन जो है वो इस पिन के ऊपर आ जाएगा, तो इनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, और ये पिन आपको अंदर से ही लगानी है, अगर आप बाहर से लगाएंगे तो ये पिन दिखेगी, इसलिए आपको बाहर से ये पिन बिल्कुल नहीं लगानी है, ये आपको अंदर से ही लगानी है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ के साथ में इसको अटैच कर दीजिए आप लोग, और बहुत अच्छे से ये रैपिंग हो गई, बहुत क्यूट ये लग रही थी। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, इनका ऑल ओवर जो लुक आया है वो ये आया है, आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।